हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? तो आप लोगों का जो 100 डेज क्वेश्चन प्रैक्टिस का चैलेंज, उसमें अभी तक हम लोगों ने 84 डेज कंप्लीट कर दिए और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हम लोग किया है। जो स्टूडेंट्स ने डे 1 से डे 84 तक के क्वेश्चन सॉल्व की डेली, वो आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा। आज का हम लोग डे 85 के जो क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस सॉल्यूशन देने की, आने वाले 1 वीक तक हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आपको डेली हमारा जो IFS का ऐप है, उसके अंदर जाके आपको डेली 5 क्वेश्चंस सॉल्यूशन करने के लिए दिए जाते हैं, जिनका सॉल्यूशन आप करते हो। अगर आपको कुछ ही क्वेश्चन में डाउट लगता है, तो उसका जो सॉल्यूशन वीडियो होगा, वो अगले दिन 8:30 बजे सुबह आपको मिल जाता है। ये वीडियो है डे 85 के जो क्वेश्चंस आपके पास आ गए थे, सॉल्यूशंस का वीडियो। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल जो आपके पास पूछा गया था, वो कुछ ये था कि द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज टू द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स वाई इज इक्वल ए टाइम्स ए बिलोंग्स टू आर आर गिवन। तो हमें यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालने हैं स्ट्रेट लाइन्स की। तो क्या हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं, ज़रा देखते हैं। क्या करना होता है, वाई इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस वन। यहाँ पर के क्या है, के एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। क्या है ये, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको इस फैमिली के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है। चलिए इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, राइट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू के टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन विल बी वन। तो इसको थोड़ी देर के लिए कुछ इक्वेशन वन बोल देते हैं और इसको कुछ इक्वेशन टू बोल देते हैं। अब इक्वेशन वन और टू की हेल्प से हम लोग आराम से आर्बिट्ररी कांस्टेंट के को एलिमिनेट कर सकते। उसके लिए क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू उठाकर इक्वेशन वन में रख लेते हैं। तो अपने पास वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एज इट इज़, ए की जगह हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन फैमिली। अब हमें क्या मिल गया कि गिवन फैमिली के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के जो कर्व्स हैं उनके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। और वो बनाते हैं हम लोग रिप्लेस करके डी वाई बाई डी एक्स को बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई, या फिर डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग -1/dy/dx से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई -1/dy/dx। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, यहाँ पर माइनस साइन 1/dy/dx बन जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो इस डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू यहाँ पर एक्स माइनस वन विद माइनस साइन, यानी कि 1 - x हो जाएगा। अब यहाँ से तो आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आराम से लगा सकते हो, है कि नहीं। यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, वाई इंटू डी वाई इट इज़ इक्वल टू 1 - x इंटू डी एक्स, विच इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन वाई डी वाई इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 - x
इंटू डी एक्स, तो क्या मिलेगा मुझे y का इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू, अब वन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लेकिन यहाँ पर x को माइनस साइन है तो वो भी देनी होगी, प्लस कॉन्स्टेंट c, यानी कि टू को हटा देते हैं, टू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू टू सी, इसको हम लोग कुछ c1 बोल देते हैं। अब आप देखिए कि वन माइनस एक्स का स्क्वायर इज सेम एज x माइनस वन का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c1, तो ये हमारे क्या बन गए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, तो x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में हमें नज़र आ रहा है, वो हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था वो कुछ ये था, लेट y बी द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx is equal to e raised to minus y square minus 1 on interval 0 to 1 which satisfies y of 0 equal to 0, then y of x is greater than 0 for all x greater than 0, y of x is less than 0 for all x greater than 0, y changes sign in the interval 0 to 1, y equal to 0 for x greater than 0. ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और है। इसके पीछे कहानी है डिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की। dy अपॉन dx इट इज इक्वल टू e रेस टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन। अब आपको पता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन बाई ई स्क्वायर ई रेस टू वाई स्क्वायर माइनस वन, और वन अपॉन ई रेस टू वाई स्क्वायर ये क्वांटिटी हमेशा लेस देन वन होगी, है कि नहीं, और माइनस वन तो ये हमेशा कैसा होगा, लेस देन जीरो नंबर होगा किसी भी वाई के लिए। तो डेरिवेटिव अगर स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है तो इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आ गया हमें, कि फंक्शन जो भी होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, है ना, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, यानी कि ये लेस इक्वल होगा, क्योंकि अगर मैं वाई की जगह जीरो रखूँ तो जीरो भी हो जाएगा, डेरिवेटिव लेस इक्वल जीरो, यानी कि फंक्शन यहाँ से अपने पास क्या हो गया, फंक्शन वाई इज व्हाट, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये तो हम लोग रियल एनालिसिस में जानते हैं कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल पे नेगेटिव आता है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। यहाँ से फंक्शन y मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और है कि y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताओ कि फंक्शन की वैल्यू, अब इंटरवल क्या है, जीरो टू वन, जीरो पे यहाँ पर वैल्यू जीरो है और फंक्शन डिक्रीजिंग है मोनोटोनिकली, या तो उसका ग्राफ ऐसा हो सकता है डिक्रीज होगा, अबव तो कभी नहीं जा सकता, तो ये तो हमारे पास गलत बात है। अब ये भी हमारा क्या हो गया, वाई चेंज कर सकता है क्या साइन, नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि ये अब लेस देन जीरो हो सकता है, तो यहाँ पर अपने पास वो साइन चेंज नहीं कर सकता। अब बचते हैं दो ऑप्शन, या तो y लेस देन जीरो होगा फॉर x ग्रेटर देन जीरो, या तो फिर y आइडेंटिकली जीरो होगा फॉर x ग्रेटर देन जीरो। अब आप यहाँ पर सिंपली ये समझिए कि अगर आपको एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की थ्योरी नहीं पता है, सिंपली आपको क्या ऑब्जर्व करना है, कि जब जब डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट साइड में सिर्फ y का फंक्शन होगा, आपको क्या करना है, देखना है ये फंक्शन कहाँ कहाँ ज़ीरो बनता है, कौन से y के लिए। आपने देखा कि अगर मैं y ज़ीरो रखूँ, यानी कि अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन ले लेता हूँ y ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल x,
अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो रखूँ तो ई रेस टू जीरो माइनस वन, ई रेस टू जीरो की वैल्यू वन, वन माइनस वन जीरो, आर एच एस जीरो हो जाएगी। अगर वाई जीरो फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी जीरो, यानी कि ये वाई इक्वल टू जीरो ये क्या है, सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया हमें, और वो सॉल्यूशन क्या है, आइडेंटिकली जीरो फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो है लेकिन ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं, सिंपली कॉन्स्टेंट जीरो फंक्शन है। क्या है ये, कॉन्स्टेंट जीरो फंक्शन, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन का गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपने पास पूछा गया था कि हमें वैल्यू निकालनी है वन अपॉन एक्स बी प्लस वन एक्स वर्स की, ये वैल्यू निकालनी। तो हम लोग क्या करते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए, अब ये वन अपॉन एक्स इंटू डी प्लस वन को हम लोग एक ऑपरेटर बोलते हैं, वन अपॉन एक्स डी प्लस वन। जैसे कि आपको पता होगा कि जब मैं लिखता हूँ वन अपॉन डी ऑफ एक्स का मतलब, वन अपॉन डी का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रकार से अब ये वन अपॉन एक्स डी प्लस वन इंटू एक्स वर्स, तो जो भी आएगा इसका आंसर हम लोग को वाई बोल देते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, डेट वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू डी प्लस वन इंटू एक्स इनवर्स। अब मेरे पास क्या बन जाएगा, ये एक्स डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, यानी कि वन अपॉन बराबर एक्स इंटू डी का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वन का मतलब वन इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू वन बाई एक्स। एक काम कर लेते हैं, एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वाई, इट इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ये क्या है दोस्तों, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर वन का। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो बन जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन वन बाय एक्स इंटू डी एक्स, सो इट इज ई रेस टू वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, यानी कि ये एक्स बन गया। सॉल्यूशन अपने पास क्या बन जाएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ये फंक्शन जो कि राइट साइड पे है वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी बन जाएगा। यानी कि अब कॉन्स्टेंट सी भी ऐड मत करो क्योंकि उनको जस्ट एक सोल्यूशन चाहिए और यहाँ पर कोई आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट नहीं। वाई इंटू एक्स इट इज इक्वल टू, अब ये एक्स से एक्स चला गया, वन अपॉन एक्स का क्या बनेगा लॉग एक्स, तो वाई यानी कि हमारे पास क्या बना लॉग एक्स अपॉन एक्स, यही तो हमें चाहिए था। वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स इनवर्स, जो कि क्या है लॉग एक्स अपॉन एक्स, जो कि हमें ऑप्शन सेकेंड में नज़र आ रहा है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पूर्व, अगर आप लोगों ने IIT JAM 2025 की प्रिपरेशन कर ध्यान दी है तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस जो लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है विकास सर ने पढ़ाया है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री में अवेलेबल किया है IFS ऐप के अंदर। तो जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को ये बहुत फ़ायदेमंद कोर्स है, एकदम फ्री में अवेलेबल। तो आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है या फिर IFS ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ से आपको इतने मार्क्स तक, जल्दी जाइए और रजिस्टर करिए। आगे चलते, अगला क्वेश्चन जो था दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है। द इक्वेशन अल्फा एक्स वाई क्यूब प्लस, यहाँ पर y इंटू कॉस एक्स है दोस्तों,
अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन अल्फा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बीटा साइन डी वाई इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट फॉर्म। यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर ए हुआ है गलती से लेकिन कुछ मैटर नहीं करेगा हमें। अब ये एग्जैक्ट के बारे में पूछ रहा है, अब हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब होता है जब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई बराबर हो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट। सो हियर लेट अस फाइंड आउट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम। सो लेट अस कंसीडर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो थ्री अल्फा एक्स वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस बीटा इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो कंपेयरिंग दोनों साइड कंपेयर करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, यहाँ पर थ्री अल्फा है यहाँ पर टू, थ्री अल्फा इक्वल टू टू यानी कि अल्फा की वैल्यू टू बाई थ्री होनी, तो अल्फा की वैल्यू टू बाई थ्री मुझे सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई दे रही है जो कि ऑप्शन सी है, और वैसे भी बीटा की वैल्यू अपने पास क्या होगी, यहाँ पर कॉस एक्स है, कॉस एक्स है यहाँ पर कॉन्स्टेंट वन है, यहाँ पर बीटा है, बीटा की वैल्यू बन जाएगी वन, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया है और उसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके बारे में सवाल किया है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एक्जेक्टली टू सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम लोग x से पहले डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस एक्स। अब आप देखिए कि अगर मैं इस y बाई एक्स को लेफ्ट में शिफ्ट करूं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वाई इट इज इक्वल टू क्या होगा x, लेकिन आप क्या समझ गए कि ये तो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसका सॉल्यूशन आप आसानी निकाल सकते हैं। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे e रेज टू माइनस इंटीग्रेशन वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि e रेज टू माइनस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, माइनस वन एक्स के ऊपर आ जाएगा तो e से लॉग खत्म, x इनवर्स यानी कि वन अपॉन एक्स, ये बन गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Therefore, जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बाई एक्स इंटू दिस फंक्शन x dx। यहाँ से अपने पास n प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y बाई एक्स इट इज इक्वल टू x से x गया, वन का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस कॉन्स्टेंट c, यानी कि y इज इक्वल टू x इंटू हो गया x प्लस सी, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने हैं ये हमें ढूंढना है, तो अब y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो करने वाले कितने हैं वो देखते हैं। अब सारे हमें मिल चुके हैं लेकिन उसमें से कितने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ये हमें बताना है। y की जगह जीरो और x की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो इक्वल टू जीरो टाइम्स जीरो प्लस सी,
देखिए आपने देखा यार, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सी की अगर हम लोग कुछ भी वैल्यू रखे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अपने पास क्या हो गया कि सी का ऐसा हो गया फ्री हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस सी इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, है कि नहीं, तो सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन प्रॉब्लम का, यानी कि आपके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट। अब अगर आप इस आईआईटी जाम एग्ज़ाम के ये तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, दोनों एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट्स के लिए जो आईएफएस का ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं वो सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल की गई हैं। आपको फ्री लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको डाउनलोड करना है वो भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हैं, पेपर्स का एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या ऑफ क्या होता है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको विज़िट करना है ifasonline.com वेबसाइट। तो आई होप ये जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो सब कुछ आपको क्लियर होगा। जो क्वेश्चंस A85 के चैलेंज में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ क्वेरी बचती है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकती हैं। तो आज के इसमें सेशन में हम लोग यही रुक, तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।